अगर ये गूंगी होती तो आपसे शादी ना करती। चलो ठीक है, पूछ लो जी, पहले पूछ लो शादी तो पहले। मैं भी इन्हें आप ही कहना ना, पूछ लो ना बैठे। आपने ये नहीं देखा कि ये टांगों से मजदूर हैं, आपको आपके यार तू तो इंटरव्यू लेने आया है कि तलाक कराना है? तूने कर लिया, चार बच्चे भी हो गए। आपको ये कभी डाउट हुआ कि ये तीसरी शादी भी कर सकते? नहीं नहीं ऐसा। कभी पछतावा नहीं हुआ इनसे शादी करके भी? ये मैंने कौन सा फैसला कर लिया? बंद करके आपने, कोई इंटरव्यू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। आज हमारे पास वो जोड़ा बैठा है जिन्होंने इश्क और मोहब्बत की सारी मिसालें तोड़ दी। जो बाहिम्मत खातून हमारे साथ बैठी हैं, उन्होंने अपने इश्क और मोहब्बत का वो सबूत दिया जो आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसे इंसान से शादी की जो टांगों से माजूर हैं, उसके अलावा वो पहले शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। उसके बावजूद इस खातून ने इनसे शादी की और अल्हम्दुलिल्लाह अब इनमें से 4 बच्चे भी हैं और ये अपनी बहुत पुरसकून और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत मुश्किल से हमें ये जोड़ा मिला है। इस दौर में तो मोहब्बत नाम की तो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन जब से मैं इन दोनों को मिला हूँ मुझे यकीन हो गया कि मोहब्बत अब भी दुनिया में ज़िंदा है। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे आखिर ये माजरा कैसे हुआ, ये मोहब्बत कैसे हुई, ये शादी कैसे हुई। हमारा जो व्यूअर है वो देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इनसे कि आखिर ये सब कैसे हुआ। अफशान चीमा साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये स्टेज के बहुत अच्छे एक्टर हैं, सुपरस्टार हैं और पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है। ये पाकिस्तान से बाहर कई मुल्कों में काम कर चुके हैं। तो अफशान चीमा साहब से पूछते हूँ कि ये इन्होंने क्या हरकत की है कि इन्होंने नहीं देखा कि मेरी पहले भी एक बीवी है, जो एक एक शादी वाले हैं या जिनकी अभी शादी नहीं हुई वो बेचारे फिर रहे हैं और ये जनाब दूसरी भी इन्होंने कर ली है। ज़रा पूछते हैं ये क्यों की इन्होंने। जनाब चीमा साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। हो जहा साहब? चीमा साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे तो मैं बाद में पूछूंगा, पहले मैं भाभी से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या कहा? गूंगी हुई तो की करेंगे जी, अगर ये गूंगी होती तो आपसे शादी ना करती। चलो ठीक है, पूछ लो जी पहले। अच्छा भाभी ये बताएं, आपने पहली बार अफशान चीमा साहब को कहाँ पर देखा? थोड़ी जी भूल ही, मतलब यही कहते थोड़े घर वेखे है। पूछ लो, जिथे मैंने वेखे जो उतो का ना लेना जी। चलो हूँ मैं जुगत नहीं करता। चीमा साहब बहुत अच्छे कमेडियन है, ये थिएटर में भी मुझे बात नहीं करने देते और यहाँ भी नहीं करने दे रहे। उ अगर काम वेख्या जाए तो तू मैं बहुत अच्छा करना है, अल्लाह तेन तंदरुस्ती सेहत दे। नहीं नहीं चीमा साहब। अच्छा भाभी आपने सबसे पहले इनको कहाँ पर देखा? मैंने इनको सबसे पहले अपने घर में ही देखा है। मेरी जो सिस्टर है वो इनके और उनके अच्छे जो हैं वो ताल्लुकात थे, तो वो इनकी सिस्टर बनी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो उनको जो है खुद से ज़्यादा यकीन या मुझ पर यकीन था कि मेरी सिस्टर जो हैं वो इस जैसे आदमी के साथ गुजर बसर कर सकती हैं, किसी और पे उनको नहीं था यकीन। तो उन्होंने मुझसे बात की, तो मैंने फिर जैसे मैंने कहा आपकी मर्ज़ी, तो फिर हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद तो देखें हस्बैंड से ही प्यार होता है, उससे ही इश्क होता है, उससे ही मोहब्बत होती है। तो यही है हमारी मुख्तसर सी स्टोरी। अच्छा आपको जब आपकी बहन ने कहा कि इन्होंने इजहार किया है, पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि ये इस तरह की हरकत कर सकते हैं, लेकिन चीमा साहब मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप पहले शादीशुदा थे उसके बावजूद आपने अपनी जो बहन बनी हुई थी उसकी बहन पे आपने ऐसी आंख रखी, शादी की ऑफर कराई। नहीं जे तू सच पूछो तो पूछ लो शादी तो पहले। मैं भी इन्हें आप ही कहना ना, पूछ लो ना बैठे। वेखो जी गल करन दा मकसद ये शादीशुदा तो पहलों तो सारे मुसलमान आपस में बहन भाई हैं। हाँ जी बिल्कुल, तुहाड़ा मजहब कढ़ के। हाँ जी, तो गल ए वे कि अल्लाह पाक ने लिखी सी मेरी ना 3 बेटियां सन। पहली शादी मेरी यही हो जी, मेरी गुजरां वाले वाइफ है ना वो भी मेरे तरह पाहज ने। पहला बेटा मेरे घर होया वे प्रेशर नाल, तो वह बेटा हो गया फोत। हूँ मेरी 3 बेटियां ने,
फातिमा जैनब आशा। उदू बाद डॉक्टर ने कहा कि जड़ा ना चौथा ऑपरेशन पंजा चार हो गए ने तो पंजा ऑपरेशन होएगा ना तो तेरी वाइफ को कुछ हो सकता। तो मैं पुत्र का बड़ा शौक सी ते ऐ जरा मुहम्मद मूसा यदि खातर ही मैं शादी की थी तो अल्लाह पाक ने मैं देता तो मैं तो बड़ा खुश हाँ। अल्लाह का शुक्र है कोशिश करी दी है कि इनू भी खुश रखिए हैप्पी रखिए वेलो थोड़े सामने लगे फिरने माशाल्लाह साढ़े चार बच्चे ने। अच्छा भाभी जब आपकी बहन ने आपसे कहा कि भी चीमा साहब ने शादी का इजहार किया है आपने ये नहीं देखा कि ये टांगों से मजदूर हैं आपको आपके यार तू इंटरव्यू लैन आया है कि तलाक कराना है तूने कर लिया चार बच्चे भी हो गए तू आपकी बहन ने आपकी तू यार इंटरव्यू लैन आया तू वो बहन दे बेच तू आपकी बहन ने मुझे इंज लगन दे जिवें तू तलाक कराना आ गया मेरी। यार मैं चीमा साहब मैं उनसे पूछ रहा हूँ उनके जहन में ये चीज़ें आई कि नहीं आई तो आपको ये फील नहीं हुआ कि मैंने सारी ज़िंदगी गुजारनी मैं और माशाल्लाह आप खूबसूरत हैं आपकी फैमिली आपके रिश्तेदार आपकी सहेलियाँ आपके दोस्त क्या कहेंगे आपके जहन में नहीं आया। मैं ना ये समझती हूँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इनकी जो मम्मी है ना माँ की दुआ सबसे अच्छी होती है। माँ जो है ज़िंदगी में इंसान के उसके जैसा कोई रुतबा नहीं है ये सच है। तो इनकी जो मम्मी है ना वो बहुत ही एक नेक खातून है वो हमेशा इनके लिए दुआ करती थी कि मेरे बेटे का बेटा हो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब इनकी माँ की दुआ है। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी बात है। अफशान साहब आप किस तरह मैनेज करते हैं कि एक आपकी वाइफ गुजरांवाला है एक यहाँ पर है तो वहाँ जाते हैं यहाँ पे आते हैं तो किस तरह मैनेज करते हैं। ज़ाहर साहब गल ये कि मैं ना ये मैनू हो गया तकरीबन 17वां साल लाहौर च मैं शुरू तो आउटडोर ही रहा वहाँ तेरे शहर मुल्तान बड़ा काम किया तो होर शहर भी काम किया तो मैं अगे भी ना मेरी रूटीन ही होंगी सी कि महीने बाद घर गया दो महीने बाद घर गया 15 दिन बाद घर गया 10 दिन बाद मैं रेगूलर घर नहीं रहा तो मैं इतने लाहौर आया सा काम करने वास्ते गुजराने स्टार बनने आया सा तो जिस तरह सुपर स्टारा के ना ने सुहेल साहब हो गए बब्बू साहब हो गया लजा गाड़ गड़े मस्ताना साहब हो गया शौकी हंस इन्हों वेख के ना तो मैं बहुत ज़्यादा शौक चढ़िया तो मैं क्या चल मैं भी लाहौर जावा कि लाहौर ही मोह लगती है फनकार को ये तो समझदार हो मैं आया सरों स्टार बनन तो अगों इतने आ के बाप बन गया है यदा ठीक है। अल्लाह पाक ने जो लिखा है ना अच्छा तेन अज मैं गल दसा अपने भरावान ये दूजी शादी जी हूँ ना ये समझ लो कि एक बंदा नवी गड्डी लैगा ना 0 मीटर उत्ते बहगा उसकी कोशिश होएगी मैं सड़क पर जावा तो मैं किसी के बेच ना वजा ना कोई मेरे बेच कोई वजे तो आगे मेरी नवी गड्डी खरीच ना आई है या वो गड्डी तबाह ना हुई है ठीक है। ये दूजी शादी भी समझ लो कि एक्सीडेंट ही होंगे ये सड़क से गड्डी पाई है तो कितना टक्कर होनी होनी होंगी है लेकिन अल्लाह का लख लख शुक्र है मेरी वाइफ मेरी बड़ी इज्जत करती है मेरे ना बड़ा प्यार करती है यह बेगम भी तो वह बेगम भी लेकिन ज़्यादातर मेरा ख्याल ये रखते हैं क्योंकि लत्तां तो सही ने ये ज़्यादा उठ भज नस नस के मेरे सारे काम करते हैं तो वो जी मेरी वाइफ ने वो तो मेरे तरह अपाहज ने तो मैं कोशिश करना कि उन्होंने को काम घट करावा तो उन्होंने काम भी मैं कर देव। आपको ये कभी डाउट हुआ कि ये तीसरी शादी भी कर सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा इनू एंट्रू होना दे अंदरों इनू आटा मटिए दे तो घर जाए यार जीप गल अगर अगर ये तीसरी शादी कर लें जिस तरह की तबीयत है हो सकता है कि इनको एक और लड़की पसंद आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं जी इनको लड़की पसंद नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये इसकी माँ की दुआ है तो ये देखें इसको तीसरा यही पसंद आएगा अपना बेटा तो छोटा भी है मोहम्मद ईसा। अच्छा नाम ईसा बिलाल फरीदी नाम रखा है नाम मुहम्मद मूसा फरीदी। अच्छा अफशान चीमा साहब आपको कुत्ते पालने का शौक भी है मुझे ये बताएंगे ये शौक आपको कहाँ से पड़ा? देखो जी मैं ना जो छोटा जहाँ हाँ ना तो मैनू फिरने होंगे ना कुत्ते तो मैं कुत्तिया को बड़ा डरना हूँ और मैनू खुदा ने बनाया वो मर्जी है जिथे उन्हें बनाया उन्हें बेहतर बनाया कोई चीज़ भी बनाई है ना उन्हें बेहतर बनाई है। मैं इस हालत भी अल्लाह का लख लख शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा लख लख शुक्र है कि तू मैं इंजदा बनाया। गल कर मकसद ये कि जो मैं डेढ़ के जमीन पर जाना हूँ ना मैं ना छोटे होंगे कुत्ते बड़े पेंदे हैं तो मैं बड़ा डरना हूँ तो
उदू बाद ज्यों ज्यों वड्डा होया समझदार होया तो हूँ मैं कुत्ते वगैरह नहीं भी पेंदे। खुदा ने मैं दस दिता कि इन्हों को तू बचना कह जी। तो जहा साहब जिस समझी इंसान के नाल तुसी वफा कर लो तो वफा नहीं मिलेगी, वफा नहीं मिलेगी। बगैर किसी मुफाज तो अगर वफा करता तो वह बंदे का माँ बाप है या घोड़ा है या कुत्ता जी। ठीक है, कुत्ते च वफा है। तो मैं कुत्ते नाल ज़्यादातर लव इस वास्ते करना कि वो वफादार होंगे। अच्छा ये बताएं कि एक कभी पछतावा नहीं हुआ इनसे शादी करके भी ये मैंने कौन सा फैसला कर लिया? बंद करके कोई इंटरव्यू नहीं है। चल मेरा पुत्र यार मुझे जरा फीलिंग तो पूछ लेते ना चीमा साहब। गल नहीं यार चलो पूछ लो। आपको जिंदगी में कभी ये पछतावा नहीं हुआ कि ये मेरा फैसला गलत था? नहीं, मुझे कभी भी ऐसा रियलाइज नहीं हुआ। मैं समझती हूँ कि मेरे हस्बैंड ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। हाँ खुश है। हाँ तुम ही एक दे दे रिश्ता। रिकॉर्ड रिकॉर्ड लग जाए कि भाई एक एंकर आया सी इंटरव्यू देने वाला और नाल भैन का रिश्ता भी दे गया सी। खुश है मेरे। ये भी मेरी बहन है और ये मैंने बहन आपको दे दी आज से, ऐसी कोई बात नहीं। ये तुसी दे दे रहा थे, मैं कट भी लेनी थी। मैनू खाली मजूर ना समझ दो, इन्हें मेरे नाल होना सी ना वो गल सुनी आ, सवारी लभे ना लभे स्पीड 190 मैं लैग निकल जाना थी। अच्छा अफशान चीमा साहब, आपकी इस मजदूरी की वजह से आपके साथ कोई वकूवा हुआ हो जो आपको याद हो आज तक? मेरे नाल यार जाहद खान साहब बहुत ज़्यादा हुए ने, खास करके हजे तक होंगे ने। थोड़े दिन पहले अल्लाह माफ़ी दे, मेरा एक दोस्त शिगिरदा च भी आंदा तो दोस्त भी है, वह पैरिस तो आया तो उसकी शादी पर मैं गया वहाँ, उसकी शादी पर गया वहाँ तैयार श्यार हो गए तो उसकी दादी उठी तो उन्हें मैं 100 रुपया दे जी मैं याद नहीं मिली। और असी मैं मेरा उस्ताद मुस्तफा राई साहब तो वो जरा दोस्त आया हामद जिंकी शादी है पैरिस तो आया, असी बहुत ज़्यादा से कि उन्हें मैं इंजी समझ लिया जिमें मैं मंगने वाला योजा लोगों मेहनत भुलेखे लग जाते हैं। तो फिर उन्होंने मैं दसना कि ऐसी कोई गल नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं काम करना। उस वजह एवं कि मैं मशहूर नहीं ना हो, जिस तरह मैं थोड़ा अगर बब्बू साहब बड़ा ना लिया, जिस तरह उन्होंने ना से खुदा उन्होंने रही दुनिया तक। अच्छा आप ये मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, और कोई वकूवा बताएं? मैंने सुना था कि आपके साथ और भी 2-3 बड़े खूबसूरत वकूवे हैं। मैं तेनों एक वाक्य दसना, जो मैं ना लोहड़ी से नवा नवा आया था ना, तो मैं तमाशी ड्रामा गा रहा थोड़ा तो यह वकूवा दसना है कि कई लोगों को यह भी नहीं पता लगता है कि पहाज बैठा होना ना। हूँ मैं इंज बैठा मैं तो पहाज नहीं लगन दिया, जो टुड़ा या रिड़ा उदो लोगों को पता लगेगा पहाज। वो 2 मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होया, मैं इंसान हाँ मेरे को नहीं बर्दाश्त होया, मैं भज के ना कोशिश करके तो उन्होंने कोल गया वहाँ। मेरे पहुँचद्या पहुँचद्या ना तो 2 बंदे इधरों नसे ने तो 2 इधरों नसे ने, मैं उन्होंने तो पहलों पहुंचे हाँ। दू ने मैं इतों बांध चुकया तो 2 ने इतों चुके गए खिलाड़ के कहते हैं ओह भैन लत्त तो सीधिया करो, लत्त तो सीधिया करो। और मैं क्या भैन मेरा नहीं होया, इन्हों का होया जे मैनू थले लाओ। बड़े यहोजे मजाही वाके मेरे हो जाते हैं। वो गाड़ी वाला कौन था जो लड़की ने आपको लिफ्ट दी थी? हाय हाय हाय, एक दफ़ा मेरे नाल इंज होया कि मैं ना अपने महल च बैठा होया तो एक औरत ना ए आई है मेहरान गड्डी ते, तो मैनू आ कहिंदी इधर आओ। मैं कहा जी ठीक है, मैं गड्डी च उन्होंने नाल जा के बह गया। मैनू अपने घर लै गई, चाय शाही पियाई, तो मैनू कहिंदी तुम ईजी होकर बैठो कि मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हूँ मैं जेहन बना के बह गया, मैं क्या औरत नूं मेरे ना कोई काम है या मैं लायक कड़ना पई है, मेरे कोई यहो जी गल करेगी। मैं सोची पिया कि पता नहीं की करना की नहीं। अद्धे घंटे बाद आ गया कि मैं कहती जो कोई चल के दिखा रहा, मैं चल के दिखाया तो अपने 2 बच्चे बहा के कहती उन्होंने बेटा देखो अगर नीडो नहीं पियोगे तो ऐसे हो जाओगे। बहुत मेहरबानी अफशान चीमा साहब, आपने हमें टाइम दिया। भाभी आपके लिए बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। हमारी दुआएं, हमारे जो देखने वाले सबकी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, इसी तरह आप हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारें और अपने बच्चों के सर पे सलामत रहें। तो नाजरीन ये था वो जोड़ा जिन्होंने मोहब्बत की मिसाल बना दी एक अफशान चीमा के साथ, एक खूबसूरत और टांगों से बिल्कुल ठीक मजदूर लड़के के साथ उन्होंने बड़ी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारे, 4 बच्चे हैं और वो कहती मुझे कोई पछतावा नहीं। इसके पीछे यही बात है कि माँ बाप की दुआएं, माँ की दुआएं इंसान को कामयाब कर देती हैं। ये अफशान चीमा जिसको माँ की दुआएं थी उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है। नहीं।
और उन्होंने अपनी वालदेन की बात मानी और चुप करके इनकी जो ऑफर थी कबूल की और ये बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लड़का हो या लड़की हो, जब तक वो माँ बाप की दुआएं लेते हैं उनकी ज़िंदगी कामयाब रहती है। इसलिए जिनके वालदेन जिंदा हैं वो अपने वालदेन की खिदमत करें, उनकी दिल आज़ारी मत करें, और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं वो दूसरों के वालदेन देख कर उनमें अपने वालदेन तलाश करें और उनकी खिदमत करें, ताकि जो अपने वालदेन के साथ नहीं कर सके वो बाकी बुज़ुर्गों के साथ करें। मुझे देसी एंकर शान पाकिस्तान को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। शान पाकिस्तान को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।